दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना के जायजा लेने के लिए विदिशा एसपी विनायक वर्मा बसोदा पहुंचे और बेरेट रोड स्थित केनरा बैंक के पास घटनास्थल का जायजा लिया, जहां आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। एसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। वही अन्य मामले को लेकर भी सिटी कोतवाली समीक्षा की गई है और पुलिस गश्ती बढ़ाने की बात भी कही गई है। गुरुवार शाम एसपी विनायक वर्मा सिटी कोतवाली थाने पर पहुंचे, जहां बेरेट रोड केनरा बैंक घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं विद्युत विभाग कर्मचारी से पूछताछ की गई। दिन दहाड़े हुई चोरी को लेकर बसुधा पुलिस के द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है, इन्हीं सब का अवलोकन एसपी ने किया है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यह कहना संभव नहीं है कि किस हद तक ये फैला हुआ है। मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन, द्वितीय लॉकडाउन के थोड़ा पहले हमने ड्रग्स से कार्रवाई की थी, उससे एक पॉजिटिव माहौल शहर में आया था और कई सारे जो इसमें संलिप्त लोग थे उनकी कार्रवाई की जाकर उनके जो एक्टिविटी थी उनको निष्क्रिय किया गया था। साथ ही साथ कुछ हद तक लॉकडाउन के समय पब्लिक मूवमेंट कम होने से ड्रग संबंधी सूचनाएं भी और एक्टिविटी भी कम हुई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद आपका कहना सही है कि पुनः आवश्यक है ड्रग्स की स्थिति का जायजा लेना। और इसी संबंध में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे दोनों टीआईज को आज हमने टारगेट्स दिए हैं और एरियाज दिए जहाँ से शिकायत आती है, इन एरियाज में लगातार पेट्रोलिंग करके और छापामार कार्रवाई करके हमें उम्मीद है बहुत शीघ्र ही हम बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट को जरूर पकड़ेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पे जो घटना हुई है, एक युवक हथियार लेके पहुंच गया, इसमें पुलिस की क्या व्यवस्था है, इसके से थोड़ा पता। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ के नियंत्रण हेतु ऑलरेडी पुलिस बल लगाने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उदयपुरा चौकी में घटना के समय पुलिस बल उपस्थित नहीं था। इसमें ऑलरेडी चौकी प्रभारी उदयपुर का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, उसको दंडित भी किया जा चुका है। साथ ही जो युवक था उसको शैलेंद्र वंशी नाम से पहचान लिया गया है और गिरफ्तारी कर आर्मसाइटी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने एसडीओपी से कहा है बसोदा से कि एसडीओपी से चर्चा करके सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में जब तक इनमें एक्टिविटी चल रही है पुलिस की उपस्थिति होगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला कर्मचारी, महिला को भीड़ के देखते हुए दोनों उपस्थित रहेंगे और मुझे उम्मीद है पब्लिक को शिकायत का मौका आगे नहीं मिलेगा। गंजे वासुदा में भी सर राजीव अधिकारियों से बातचीत की है, हमें बताया गया है कुछ दिनों तक वैक्सीन की उपलब्धता ना होने से थोड़ा गैप हो गया था, जिस वजह से थोड़ा भीड़ का स्तर आज अचानक ज़्यादा पाया गया। तो इसके नियंत्रण हेतु जैसे मैंने कहा पुलिस बल भी रहेगा, साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि पुलिस विभाग का कोऑर्डिनेशन प्रशासन से हो, जिससे वैक्सीनेशन कितने उपलब्ध हैं किस सेंटर पे उस हिसाब से भी हम पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकें। कारणों से हुआ और सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? गंज बसोदा में हाल में कुछ प्रॉपर्टी संबंधी वारदातें हुई हैं और इनके खुलासे के लिए हमारी टीम के लिए क्या प्रयास किए हैं और क्या हमने अभी तक सबूत इकट्ठा किया है, मुख्यतः इसका अवलोकन करने मैंने आज दौरा यहाँ बसोदा में किया है। साथ ही साथ कुछ और जो पेंडिंग क्राइम्स में हमारी गति है, ट्रैफिक की स्थिति से लेकर शहर में चेकिंग पॉइंट्स की स्थिति और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, इसका भी रिव्यू करने गंज बसोदा आया हूँ। सर ट्रैफिक की बात करें तो चारों तरफ ट्रैफिक की दिन पर दिन व्यवस्थाएं उलझी हुई हैं, कोई भी पुलिस नहीं दिखाई देती ट्रैफिक को लेकर। कुछ हद तक ट्रैफिक की समस्या का रूट इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। गाँव और शहर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सीमित हैं और काफ़ी कुछ मंडी की उपस्थिति शहर के बीच में होने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों का भी शहर में आता है और संकीर्ण रास्ते होने से पूर्ण तरह से इस समस्या का हल तत्काल ढूंढना संभव नहीं है, लेकिन यह ज़रूर आपत्तिजनक है कि पुलिस की उपस्थिति कम देखी जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक प्रभारी से लेकर दोनों शहर और देहात के थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया है, को हिदायत दी गई है और 6 पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं जहां पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक पुलिस बल उपलब्ध रहेगा, 3 ट्रैफिक कवर करेगी और 2 शहर और 1 देहात बासोदा इसका बल कवर करेगा, जिससे हमें उम्मीद है कि चेकिंग की स्थिति में भी वृद्धि आएगी और ट्रैफिक पर भी पहले से बेहतर नियंत्रण होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।